हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, और मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा है कि पता नहीं ये पेपर क्लियर होगा या नहीं, पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई रुकावट आ जाए। हे भगवान, बस ये पेपर क्लियर ही हो जाए। ना जाने और भी कैसे कैसे डर लेकर हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो सुनने में बहुत ही मामूली सी हैं, पर हैं सच में बहुत ही असरदार, और जो किसी भी एग्ज़ाम से पहले सुनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति सुनील डांगी और आप लोग सुन रहे हैं मुझे लर्न स्टेनो चैनल पर। क्या होता है ये एग्ज़ाम फीवर? क्यों हो जाता है हमें एग्ज़ाम फीवर? किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले जब हम जा रहे होते हैं तो उससे होने दो दिन पहले जो होने वाला एक डर सा हमारे मन में बैठा होता है, हमें घबराहट हो जाती है, और तो और कई बच्चों को वाकई बुखार हो जाता है, उनका फीवर, उनका तापमान, उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये सब डर हमारे अपने बैठाए हुए हैं हमारे मन में। उन डरों को जब तक हम नहीं निकालेंगे, आप यकीन मानिए आप कोई पेपर पास नहीं कर पाएंगे। सच है, कड़वा भी है, पर इसको ठुकराया नहीं जा सकता, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आपने जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली है, बहुत हो चुकी है प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि बस ये दो दिन जो मेरे पेपर से पहले के हैं, मैं इसमें 32 मार्क का बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो आप गलत हैं। जो आपने पिछले 6 महीनों में, 5 महीनों में तैयारी करी है किसी भी पेपर के, चाहे वो एक स्किल टेस्ट था, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, आपने जो वो तैयारी करी है वो काम आएगी, ना कि ये दो दिन। इनफैक्ट इन दो दिनों में तो आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, सब कुछ भगवान जी पे छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, सब छोड़ दीजिए भगवान पर, जिन्हें भी आप मानते हैं उन पर छोड़ दीजिए। सिर्फ पॉजिटिव रहिए, सिर्फ यही ध्यान रखिए कि जो मैंने करा है, जो मेरी किस्मत में है, मुझे ज़रूर मिलेगा, मैं वहाँ पे जाके आराम से उस पेपर को देकर आऊँगा। बिल्कुल रिलैक्स करके आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। पैनिक नहीं करना, पैनिक का मतलब है घबराहट। घबराहट में हमेशा हम चीज़ें गलत करते हैं, हमारे हाथ पैर कांपना शुरू कर जाते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल हॉच पॉच हो जाता है, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। गहरी सांस लें, लंबी सांस लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इन चीज़ों से आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। ये एग्ज़ाम कोई हवा नहीं है, पहली चीज़, कोई हवा नहीं है ये, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। वहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि सारे बच्चे एक जैसे ही तो हैं, कोई किसी की तैयारी अच्छी है, किसी की तैयारी कम है, किसी की ज़्यादा है, या क्या है या क्या नहीं है वो आप नहीं जानते। कोई आपको देख के ऐसे सोचता होगा कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान आया है, और शायद आप किसी और को देख के ऐसे सोच रहे होंगे कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान आया है। तो आप, ये हमारे अपने कंसेप्शंस होते हैं, हमारी अपनी सोच होती है जो हम किसी भी इंसान को देखकर बना लेते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जाना है, अपनी चीज़ पर फोकस रखना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। जहाँ तक बात आती है, अगर आप शॉर्ट हैंड की मैं बात करूँ, तो शॉर्ट हैंड आप जब सुनते हैं, जब आपका एक डिक्टेशन दी जाती है आपको, तो सबसे पहली बात ये है, देखिए आपको सिर्फ ध्यान इस चीज़ पे लगाना है कि उसको एक कहानी की तरह सुनना है, एक स्टोरी की तरह आपको सुनना है। अगर आप एक एक शब्द के ऊपर फोकस करेंगे कि मुझे इसको कैसी आउटलाइन बनानी है, क्या करना है, तो वो काम नहीं करेगा। आप एक कहानी की तरह सुनेंगे तो बीच बीच में अगर कहीं आपके वर्ड्स छूट जाते हैं तो वो आप वहाँ छोड़ देंगे, और जब आपको बाद में टाइम दिया जाता है उनको दोबारा से एक बार पढ़ने का और फिर उसको टाइप करने का, तब वो आपको शब्द वहाँ पे याद आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपने कहानी की तरह सुना है तो। और अगर सिंपल आप एक शब्द सुनते हैं और आउटलाइन बनाते हैं, शब्द सुनते हैं आउटलाइन बनाते हैं, तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपका वर्ड छूट जाता है तो घबराना नहीं है, आसपास बिल्कुल नहीं झांकना है कि क्या शब्द था, बिल्कुल भी नहीं पूछना है किसी से कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ,
मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूँ, मेरे हाथ में मेरा पेन पेपर है, सामने एक सर खड़े हैं जहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है, बस। और कुछ भी होता रहे आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, आपको कुछ नहीं देना है। बस भगवान का नाम लेना है और शुरू कर देना है जब आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगी। जब टाइपिंग की बात मैं अगर करूँ, जब टाइपिंग करनी होती है तो यूजुअली क्या मैंने हमेशा नोटिस करा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आसपास के बच्चे, जब हम कभी टाइपराइटर पे टाइपिंग करते थे और उसके बाद फिर कंप्यूटर की टाइपिंग आई, तो दोनों टाइम ही क्या होता था, जैसे ही वहाँ पे टीचर बोलता था कि टाइम स्टार्ट, या फिर अब तो क्या है कंप्यूटर में टाइपिंग होती है तो कंप्यूटर में ही टाइमर चल रहा होता है और उस टाइमर में आपका जैसे एकदम से स्टार्ट लिखा आ जाता है तो हार्ट बीट एकदम ऊपर नीचे हो जाती है। और वो ज़्यादा कब हो जाती है, जब साथ वाले बच्चे एकदम से कीबोर्ड पे टक 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 की आवाज़ करते हैं, तो हम वैसे ही अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, वैसे ही अपने आप को एकदम इन्फीरियर, बिल्कुल ही नीचा फील करने लगते हैं कि हमें लगता है अरे इनकी स्पीड कितनी तेज़ है और हम क्या कर रहे हैं। और अक्सर ऐसे में क्या होता है, हमारा पहला या दूसरा शब्द या स्टार्टिंग के 15 सेकंड या 10 सेकंड तो देखने में ही निकल जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ऐसा बिल्कुल आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है इन चीज़ों पर। बस ऐसे मान के चलिए कि कुछ नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे मेरा अच्छा काम करके आना है, इसका रिजल्ट भगवान के हाथ में है, मेरा सिलेक्शन होना होगा तो 100% हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा, पर जो होगा अच्छा होगा, हो सकता है मेरी किस्मत में इससे बहुत अच्छी चीज़ लिखी हो। और मैं आपको एक चीज़ वह बताना चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तो जब मैं तैयारी करती थी एग्ज़ाम की, तब तो मेरे मन में ये रहता था कि हे भगवान बस इसमें सिलेक्शन हो जाए, ये वाला पक्का क्लियर हो जाए, ये तो हो जाए, इसमें तो हो जाए, पूरा सपने वपने उसके सब देख लेती थी। पर जो मेरा पेपर का दिन होता था ना, जिस दिन जब मेरा पेपर होता था, उस दिन मैं ये सोच कर जाती थी कोई बात नहीं स्वाति, इसमें नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, मेरी इतनी तैयारी है, मैं दूसरा पेपर दूंगी वो क्लियर हो जाएगा। और इस टेक्निक से, इस इन बातों को, अपने शब्दों को अपने माइंड में सिर्फ उस दिन के लिए बैठा कर मैं जाती थी, जब तब मेरे साथ ये होता था कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रिज़ल्ट कब आना है, क्या आना है, कैसे होना है, पेपर में क्या है, क्योंकि साफ सीधी बात है भाई, जो मैंने इतने टाइम से तैयारी करी है, अगर सही करी है तो वो वहाँ पर यूज़ होगी और नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। बस यही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, वीडियो में बनाना चाहती थी पर बना नहीं पाई, लेकिन चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयारी करिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम्स बहुत दूर नहीं हैं और सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं भागना है, अपने लिए हमेशा ही जैसा मैं कहती हूँ सारे रास्ते खोल के रखिए। यू नेवर नो, आपको कभी नहीं मालूम कि भगवान ने आपके लिए क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं ना, तभी वो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हुई तो इसका मतलब वो हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचा गई, तो वही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा आपने 6 महीने जो तैयारी करी है उस पर विश्वास रखिए और यही सोच के करिए कि मेरे को इस पेपर को क्लियर करना है। पर जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो सिर्फ इतना सोच के जाना है, ठीक है भैया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इट्स ओके। तो इन चीज़ों से, इन शब्दों से आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाएंगे और आपने जो इतने टाइम से मेहनत करी हुई है उसको आप आज उस पेपर में लगा पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू।